बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर अदर व्लॉग। तो भाई यहाँ व्लॉग का तो वैसे हमारा इरादा था नहीं, लेकिन यहाँ से गुजर हो रहा था, फिर हमने देखा कि एक हॉस्पिटल यहाँ पर खुला है और जिसकी आज ओपनिंग है। मैंने क्यों ना इस चीज़ को एक्सप्लोर किया जाए, आप लोगों को बताया जाए कि भाई अलीगढ़ के अंदर यहाँ पर हॉस्पिटल यानी कि स्टार्ट हुआ है और आज इसकी ओपनिंग है। तो फिर आए इस हॉस्पिटल के बारे में आपको बताते हैं और यहाँ पर क्या अमला है और क्या सेटअप डाला है इन्होंने, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ, आ जाए। तो भाई अलसानी अजमिया वेलफेयर की जानिब से आज यानी कि फ्री कैंपेन चल रही है और आज इस हॉस्पिटल की ओपनिंग है, तो ओपनिंग के हवाले से इन्होंने फ्री कैंप चलाया हुआ जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि पेशेंट को देखा जाएगा और उनकी तबी इमदाद यानी कि जो भी उनकी मेडिसिन वगैरह होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट आज दी जाएगी। तो आज कैंपेन की जानिब से मैं आपको लेके चलता हूँ कैंपेन में, देखते हैं फिर बताता हूँ कि कैंपेन में हो क्या रहा है। ये कैंपेन का एक कैंप बना हुआ है यहाँ पर और यहीं पे यानी कि बाहर के जो पेशेंट वगैरह आ रहे हैं वो चेकअप करवा रहे हैं, जिनको यानी कि चेक करवाना है अपने आप को। तो एक कैंपेन की ये पूरी टेबल रखी हुई है और यहाँ पर मेडिसिन देख रहे हैं आप। अभी हॉस्पिटल अंदर है ये तो सिर्फ, बाहर का आज जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो कैंपेन चल रही है ये सिर्फ वहाँ का सेटअप है, तो हॉस्पिटल के अंदर लेके चलता हूँ। तो ये वेटिंग एरिया है यहाँ पर, यानी कि पेशेंट अपनी बारी का इंतज़ार करेगा और ये सारा वेटिंग एरिया बनाया हुआ है। ये फार्मेसी का सेक्शन है, तो आए फिर मैं आपको दिखाता हूँ फार्मेसी में क्या क्या हमारे पास मेडिसिन के और जो फार्मेसी वाला मैन है तो वो क्या काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई जान, कैसे हैं, खैरियत से आप? तो ये कैसा चल रहा है यहाँ का सेटअप? शुक्र ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये फार्मेसी का यानी कि ये अपना हॉस्पिटल के हवाले से ये स्टोर बना हुआ छोटा सा, जो भी यानी कि डॉक्टर तभी इमदाद देता है हाथ के आने। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप, ये मेडिकल स्टोर छोटा सा बना हुआ है जो यानी कि हॉस्पिटल जो डॉक्टर यानी कि रिकमेंड करता है तो वो पेशेंट यहीं ही लेके जाता है। तो अब मैं आपको अंदर का विज़िट करवाता हूँ। तो भाई ये डिस्पेंसरी सेक्शन है जो यानी कि डॉक्टर दवाई देता है, वो मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलती, जो डॉक्टर के ही अमले से मिलती है, जो रेड और येलो कलर की होती है लिक्विड फॉर्म में, जो हम बचपन में फेंक देते थे, इस्तेमाल नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा कड़वी होती थी। तो ये वो सेक्शन है और यहाँ पर ये कंप्यूटर जो मेडिकल से रिलेटेड होती हैं जो डॉक्टर बनाते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो वही वाली मेडिसिन यहाँ पर मिलती है जो लिक्विड फॉर्म में सिरप वगैरह दिया है। तो आए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो भाई ये भी एक डॉक्टर का रूम बना हुआ है, लेकिन डॉक्टर मैं हूँ नहीं यहाँ पर, डॉक्टर आने वाले हैं, उनकी टाइमिंग तो मेरे ख्याल से 6 बजे की होगी। जो लेडी डॉक्टर हैं वो तो यानी कि सुबह फर्स्ट टाइम पे आ जाती हैं, जो जेंट्स डॉक्टर हैं वो यानी कि 6 बजे तक के आते हैं। तो ये उनका रूम है, यहाँ पर 2 डॉक्टर के रूम हैं जो यानी कि एक लेडी डॉक्टर और एक जेंट्स डॉक्टर। ये 2-3 दिन से पहले भी बीमार हो चुकी थी, फीवर नहीं है, मैंने कहा ना फीवर नहीं है तुम्हें, लेकिन ये जो दर्द और ये खिंचाव जो हो रहा है ये इसी वजह से हो रहा है। ठीक है, फिर अब आए हम आपको आगे दिखाते हैं। भाई अलसानी अजमिया जो वेलफेयर हॉस्पिटल यहाँ पर जिसकी आज ओपनिंग है, तो यहाँ पर कुछ डॉक्टर बैठे हुए हैं, फिर मैं डॉक्टर से इंटरव्यू लेता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि यहाँ पर आप लोगों को कैसा ख्याल आया और फिर किस तरीके से आपने ओपनिंग का यानी कि यहाँ पर ओपनिंग किसी की। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं, खैरियत? अल्लाह का बड़ा करम है, आप सुनाइए। सर मुझे थोड़ा सा कुछ बताएं इस हॉस्पिटल की ओपनिंग के बारे में, मतलब आप लोगों के जहन में मतलब क्या आया और फिर यहाँ पर कैसे क्या हुआ? असल में बेटा यहाँ पे है बिल्कुल पुअर लोग हैं ना, गरीब तबका है, दिल चाहता है इन लोगों की खिदमत करें, समझे, और बहुत ज़्यादा मतलब नीड है यहाँ पे डॉक्टर्स की ना। एक तो नाइट में कोई होती नहीं एमरजेंसी, लोग बेचारे कोरंगी 5 भागते हैं, जीना भागते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको इतना इस तरह करें कि लोग कहीं जाएँ नहीं, इनको फुल एमरजेंसी यहाँ मिले अल्लाह के। अलीगढ़ के अंदर यहाँ पर हॉस्पिटल तानियाद हुआ है और आपने देखा कि मैंने डॉक्टर से आपका बताया कि डॉक्टर ने अपनी बिफरिंग दी के यहाँ पर क्या अमला है और किस तरीके से डॉक्टर यहाँ पर अपनी शिफ्ट वाइज आएंगे। वैसे तो यहाँ पर कोई हॉस्पिटल था नहीं, या हॉस्पिटल होता था तो यहाँ पर कोई अमला होता नहीं था देखने वाले के लिए। तो यहाँ के जो लोग परेशान हैं उनको दूर जाने की ज़रूरत नहीं, उनके मोहल्ले में उनके एरिए में अपना यहाँ पर एक क्लिनिक खुल गया, हॉस्पिटल खुल गया। तो अब ये वाले डॉक्टर बैठे हैं, अब इनसे बात करते हैं और देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, कैसे हैं, खैरियत से आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर कुछ बताएं हॉस्पिटल के हवाले से, आप माशाल्लाह से डॉक्टर हैं तो। नहीं, मसला ये है कि ये एक पसमानदा इलाका है, ये गांव पड़ते हैं चौतरफ, इसको सेंट्रल शहर से सेंट्रल एरिया से दूर दूर है, तो यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, खासकर मरीजों को बेचारों को रात को आधी को असर दूर ले जाना, ट्रांसपोर्ट का मसला होता है। तो हमारी कोशिश थी कि कोई ऐसा इदारा हो, ट्रस्ट हो, जो ऐसी कोई हॉस्पिटल खोले जो घर के करीब उनको ऐसी चीज़ सहूलतें मिल जाएं कि मेरी आराम से अपने आप का इलाज करा सकें और उनकी सारी सहूलतें मैसर हों। उसमें ये जो ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट ने ये उठा लिया है बेड़ा, अल्लाह का शुक्र इन्होंने स्टार्ट किया। आज फ्री कैंप है और तकरीबन कोशिश होगी कि हर किस्म के जो अवेलेबल मेडिकली सहूलतें वो यहाँ की जाए।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखा कि आपने ये दोनों डॉक्टरों से हमने बात करी और इनसे यानी कि इजहार ख्याल लिया कि यहाँ पर ओपनिंग के दौरान इनका क्या मिजाज था और फिर मतलब क्या जहन था इनका। तो अब चेयरमैन से मिल लेते हैं, वो अभी हमारे पास आ गए हैं यहाँ पर, चेयरमैन जो हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। तो ये हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं सर, आपका क्या जहन में आया कि हॉस्पिटल इस एरिया में खोलना चाहिए, मतलब क्या आप मुझे बताएं कुछ? असल में हमने जो भी बनाई थी अलसानी आजमिया वेलफेयर फाउंडेशन, इसको बनाने का जो मकसद है वो ये था कि जितने भी हमारे, सबसे पहली बात, हमारे पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में आते हैं वो मेडिकल की फैसिलिटीज़ होती है, वो खासकर उन पूरे आबादी में जो देही आबादी है जहाँ पर लोगों को पता ही नहीं, उनको अवेयरनेस ही नहीं होती उनकी बीमारी के बारे में। हमारी कोशिश ये है कि हम ऐसे एरिए में जो बहुत पुअर और देही इलाके हैं वहाँ पर खोलें मेडिकल सेंटर, उनको फ्री मेडिसिन की सहूलियत फराहम करें, ये मिशन लेके चलें और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पूरे पाकिस्तान के अंदर इसको हम फॉलो अप करवाएंगे। सबसे पहला मिशन हमारा मेडिकल्स का है और सेकंड ऑप्शन हमारा एजुकेशन का है कि जब हमारा ये मिशन थोड़ा सक्सेसफुल हो जाता है पाकिस्तान में पूरे में, उसके बाद फिर हम एजुकेशन की तरफ जाएंगे ताकि लोगों को एजुकेशन के बारे में नॉलेज आए और वो पढ़े लिखे को और अच्छा समझ सके, शऊर आ सके उनको। और ये बस आज एक पहली कोशिश है हमारी, ये पहला हमने मिशन तैयार किया है अलसानी आजमिया वेलफेयर हॉस्पिटल के नाम से, और इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है पूरी कि इंशाल्लाह इस बहुत आगे जाके बेहतरी तरफ जाएगा। हमारा मिशन सिर्फ फ्री में लोगों को सहूलत फराहम करना, उनकी बीमारी के बारे में उनके अवेयरनेस देना और उनकी जो भी मदद हो सकती है किसी भी हवाले से वो इंशाल्लाह हम इसको करेंगे। आज फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि जो ये कैंपेन चल रही है इसमें मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ के हैं अहले मोहल्ला हैं वो पेशेंट बनकर आ रहे हैं, जो पेशेंट हैं यहाँ पर, तो आपका क्या है मतलब आपने सुबह से क्या नोट किया यहाँ पर? सुबह से हमने एक चीज़ नोट करी कि यहाँ के शुगर के पेशेंट आए जो कि इनको पता ही नहीं है, उनकी नॉलेज नहीं है और तकरीबन 300 से अबाव उनकी शुगर आई है, उनको मालूम ही नहीं है कि हमें शुगर है या नहीं है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिन्हें अपनी बीमारी के बारे में पता ही नहीं है, उनको अवेयरनेस ही नहीं है क्योंकि यहाँ इस एरिया में कोई डॉक्टर्स भी नहीं है। तो मैं डॉक्टरों से भी इल्तिजा करूँगा कि तमाम डॉक्टर्स यहाँ कोऑर्डिनेशन करें ताकि कम से कम जो ऐसे कंसल्टेंट हैं जो भारी फीसें यहाँ नहीं दे सकते हैं, तो मैं उन डॉक्टरों से भी इल्तिजा करूँगा कि कम से कम हमारे इस कैंप के अंदर कोई एक दिन या एक घंटा ऐसा दें ताकि लोगों की खिदमत कर सकें। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे इस हॉस्पिटल के चेयरमैन अलसानी आजमिया वेलफेयर फाउंडेशन का कोरंगी कराची में पीरो फैज आजमी साहब ने अल्लाह के बाबर के नाम से शानदार इफ्तिताह किया। आज की ओपनिंग क्योंकि ये वेलफेयर का काम है, अल्लाह पाक के गरीबों मस्किनों की खिदमत होती रहे, अलिया के नाम और अलिया की बरकत और फैज उसमें सामने आते हैं, लोगों की खिदमत होती रहें, आते रहें मरीजों की जो भी आए उनको अच्छा तो शफा भी अता फरमाए और उनको अच्छे यहाँ खिदमत भी मिले और उनको अच्छे से कमला होके यहाँ से तैन अल्लाह चूँगा दाए मुस्तमा नसर पहले फाजे गाने पल करी आरब मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते हज़रत सिद्दीक़ अकबर बासफ़ा हज़रत सिद्दीक़ अकबर और फौर रुपये उमर हज़रत उस्मान अली पीर अव्वल बाकी बिला ख्वाजा अब्दुलरहीम बाग दर्दी कामिल पेशवा के वास्ते दीन व दुनिया का वसीला वसीला आली जनाब ख्वाजा आलम नक्शबंदी रहनुमा मसनद नशीन खान का मुर्शद सानी अताए मुस्तफ़ा के वास्ते तेरे बंदों की हमेशा खिदमतें और हजरत सुल्तान के बुलाबा सफाते आमीन और इन बुजुर्गों का वसीला पेश करते हैं खुदा फजल कर हम पर इन सब औलिया के वास्ते या इलाही हो हमेशा सद दरूद और सद सलाम सैयदुल कौनैन खत्मुल अंबिया के वास्ते। ये 3 वार्ड बनाए हैं हमने यहाँ पे, ये तो रूम से यहाँ पे 3 बेड लगे हैं।
پہ کافی لوگوں کی خدمت ہو سکتی ہے. ماشاء اللہ کے رسولی بھی چل رہا ہے یہاں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ تین بیڈ سر لگے ہوئے ہیں. برابر میں بھی ابھی دو کمرے تو ہیں. یہاں پہ کچن اور واش روم الگ سے پیشنٹ کے لیے. یہ سامنے کچن ہے, سائڈ پہ واش روم بنا ہوا ہے, ایک کمرہ لے جس کو ہم نے اپنا ویلفیئر کا آفس بنا دیا تاکہ ایک تھوڑا سیپریشن اس سے ہو جائے گی. ایڈمن آفس, ہاں ایڈمن بھی ہو جائے گا اپنا. ایڈمن اس سے بھی بنا دیں گے, ایڈمن بھی ہوگا, این جی او کے آفس بھی ہوں گے, جو بھی آفس کے معاملات ہوں گے وہاں پہ جو بھی میٹنگ وغیرہ وہ جو میٹنگ کا پینل دیا کرا ہے جی. یہ ادھر بینر ابھی ہم نے آج بنایا جی. اور یہ آگے ایک سے ایک اور بورڈ پڑتا ہے الیاس بورڈ, وہاں ایک چھوٹا سا آفس بنایا ہے. وہاں کی ایک ٹیم آپ کی لڑکی جو بیٹھی تھی وہاں گھروں میں جا کے یہ ان شاء اللہ اس لیے رکھا ہے کہ کوالیفائڈ ڈاکٹر لوگ معائنہ کریں گے اور فارمیسی کے اندر غریبوں کو ڈاکٹر ہم لوگ کھانے اور دوائیاں بھی دی جاتی ہیں. ہفتے ایک ہفتے مطلب ایک کیمپ ڈفرنٹ ایریا کے اندر تاکہ لوگوں کو سروس وہاں سے لے سکے. یہ میڈیکیشن کی جگہ جب آئندہ